हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे वज्रयान से। हम कर रहे थे बुद्धिस्ट सेट्स, जिसमें हम हीनयान कर चुके हैं, महायान कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे वज्रयान से। तो वज्रयान के जो फॉलोअर्स हैं वो साल्वेशन में बिलीव करते हैं। उनका क्या मानना है कि अगर मुक्ति लेनी है, साल्वेशन लेनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक मैजिकल पावर, और वो जो मैजिकल पावर है उसको बोलते हैं वज्र। तो इसके जो चीफ डिविनिटीज हैं इस सेट के, उनका नाम है टारस। तो ये पॉपुलर रहा था बंगाल बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर था। ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में? बंगाल एंड बिहार में। नेक्स्ट बात करते हैं बोधिसत्वा की। जो बोधिसत्वा है ये भी एक बुद्धिस्ट सेट ही है। तो इसमें ये आते हैं सिक्स टाइप्स के, आगे गुरु बोल लो या इसकी सिक्स टाइप्स आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है वज्रपाणि। जो वज्रपाणि गॉड है वो इंद्रा की तरह है। जैसे कि वैदिक पीरियड में हम पढ़ा था इंद्रा गॉड, वैसे ही इस टाइम पे आया था वज्रपाणि। जो वज्रपाणि गॉड है वो रिस्पॉन्सिबल है थंडरबोल्ट के लिए, और सिन और ईवल को वो अपने सबसे बड़े दुश्मन मानते थे। सेकेंड आते हैं अवलोकितेश्वर, जिनको पद्मपाणि भी बोला जाता है। ये बहुत ही काइंड हार्टेड गुरु थे। थर्ड आते हैं मंजूश्री। मंजूश्री स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये वाले जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 10 प्रमितास को डिस्क्राइब किया था इन्होंने। प्रमितास क्या होता है? ये होता है स्पिरिचुअल परफेक्शन, के कैसे एक स्पिरिट परफेक्ट हो सकती है, कैसे एक पर्सन बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। इसमें वो 10 चीज़ें लिखी हुई थी। फोर्थ आता है मैत्रेया। मैत्रेया मीन्स फ्यूचर बुद्धा। फिफ्थ आता है शितिग्रीहा। शितिग्रीहा मीन्स गार्डियन ऑफ पुर्गेटोरीज। पुर्गेटोरीज क्या होता है? इट मीन्स कि अगर किसी को कोई कष्ट आता है, किसी को कोई दुख दर्द होता है, तो उनके जो गार्डियन है वो कौन है? शितिग्रीहा है। सिक्स आता है अमिताभा और अमितासुआ। तो ये है बुद्धा ऑफ हेवन, स्वर्ग के बुद्धा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेड श्रीन्स की। सेक्रेड श्रीन्स में आता है सबसे पहले लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उनकी बर्थ प्लेस है। सेकंड है बोधगया। बोधगया में इनको इनलाइटनमेंट हुई थी। थर्ड आता है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था। फोर्थ आता है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ये जो बुद्धा की लाइफ के 4 मेजर इवेंट्स है, ये इन 4 जगह पे हुए थे। इनके साथ ही 4 और जगह भी है, जिनका नाम क्या है? सरस्वती हो गया, राजगृहा हो गया, वैशाली हो गया एंड संकास्या हो गया। 4 ये वाली प्लेसेस, 4 जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो प्लेसेस है वो हो गई। ये जो टोटल 8 प्लेसेस है इनको बोला जाता है 8 होली प्लेसेस। इसके अलावा बुद्धिज्म के और भी बहुत सारे सेंटर थे एंशंट इंडिया में। ये 8 जगह पे तो थे, इनको बोलते हैं 8 होली प्लेसेस। तो इसके अलावा जो एंशंट इंडिया में बुद्धिज्म के सेंटर थे वो कहाँ कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश में थे, अमरावती या नागुलजनीकोंडा में, बिहार में नालंदा में थे, गुजरात में जूनागढ़ एंड वल्लभी में, MP में सांची एंड बैरूत में, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा हो गया, उड़ीसा में धौलागिरी हो गया, UP में अगर हम बात करें तो कनौज, कौशाम्बी एंड मथुरा हो गया, और वेस्ट बंगाल में हो गया जगदला एंड सोमपुरी। इसके बाद बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की 3 फॉर्म्स थी, कौन कौन सी थी? फर्स्ट था स्तूपा, सेकंड चेत्या और थर्ड बिहारा। स्तूपा जो है, स्तूपा में बुद्धा के और या फिर जो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनके रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। चेत्या उस टाइम का जो प्रेयर हॉल है। बिहारा मोनेस्ट्रीज हो गया, रेजिडेंस हो गया, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह रहते थे, उसको बोलते थे बिहारा। नेक्स्ट है रॉयल पैट्रॉन्स। उस टाइम पे कौन कौन से किंग्स थे? मगधन रूलर के किंग थे बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, जिस टाइम पे बुद्धिज्म रिलीजन आया था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मगधन रूलर बिंबिसारा एंड अजातशत्रु थे। कुशाला रूलर थे प्रसेनजीत। वत्सा रूलर थे उद्यन। अवंती रूलर थे प्रद्योता। मौर्यन रूलर थे अशोका एंड दशरथ। मिलिंदा मियांडर थे इंडो ग्रीक रूलर्स। कुशाना रूलर थे कनिष्क। वर्धन रूलर में था किंग हर्षवर्धन, और पाला रूलर में था गोपाला, धर्मपाला एंड रामपाला। तो अशोका के टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो उस टाइम पे अशोका ने वर्ल्ड की अलग अलग जगह पे मिशनरीज सेंड करी थी टू स्प्रेड द बुद्धिज्म।
तो इसके साथ ही अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। कनिष्क जो किंग था उसके टाइम पे हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और उन्होंने मिशनरीज भेजी थी चाइना, कोरिया एंड जापान में। बंगाल बिहार में जो पालास थे वो बुद्धिज्म के टाइम के लास्ट ग्रेट पैट्रॉन थे, वो लास्ट किंग थे बुद्धिज्म के टाइम के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जैनिज्म से। इसके साथ आज हमारा बुद्धिज्म वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम जैनिज्म से शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।